इसको तो प्रॉब्लम है, भाई को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं, मगर नहाना नहीं है। ठीक है, हाँ जी, क्या हाल चाल? तो जी अभी हम जम्मू की नंबर वन अबॉन्डेंट रोड में से एक में, तो गाइस घर से निकल चुका हूँ मैं और व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आज हम जा रहे हैं कुछ ऐसी प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो कि जम्मू में एम्बॉन्डेंट जगहों के नाम से जाना जाता है जिनको। तो गाइस एक बार फिर से मैं अपने भांजे के पास जा रहा हूँ, जैसा कि पिछले व्लॉग में आप मिले थे उससे, तो आज फिर से कहीं और जा रहे हैं। तो गाइस ये कुछ ऐसी लोकेशन है, मैंने फ़ोन कर दिया उसको, बस आ रहा वो, तो थोड़ी देर वेट करते हैं फिर निकलते हैं। तो देखिए गाइस आ रहा है मुझे इतना वेट करा के, तो इतना वेट मामा को सुखे रहो, इतना वेट है, इतने लड़कियां भी नहीं कराती वेट। तो गाइस निकल चुके हैं हम अभी, तो अभी जाएंगे पहले बनतला पेट्रोल पंप पे, वहाँ से पेट्रोल भरा लेंगे, तो फिर हम निकलेंगे वहाँ से शॉर्टकट, यहाँ से जो खैरी वाली रोड है वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि जितना हम अम्फला तक जाएंगे उतना हम IIT के पास पहुँच जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इतना लंबा कट लें, शॉर्टकट में भी हम निकल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस पेट्रोल डलवा लेते हैं यहाँ से, पेट्रोल डलवा लिया है, तो अब निकलते हैं, करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट। तो गाइस मेरी नज़र ये देखो, ये ऑटो में ये सिलेंडर्स पे पड़ी, देखो ये कैसे इंडियन के कैसे सिलेंडर हैं ये देखो। तो ये पहली बार मैंने ऐसे सिलेंडर देखे हुए यार। तो गाइस जिस जगह पे हम 2-4 दिन पहले आए हुए थे, तो उसी रोड से हम अभी फिर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अभी दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग व्लॉग बना था। तो गाइस हमारे दो बंदे पीछे रह चुके हैं, तो हम अभी रुकेंगे व्यू पॉइंट के पास। तो गाइस इस जगह को कौन नहीं जानता, ये देखो ये व्यू पॉइंट। गए हैं तो हम उनके लिए रुके हुए, तो चलो आते, तो आ गए हैं, निकलते अब। तो गाइस इस रोड पे हम पहली बार जा रहे हैं, ये आपने हाईवे सामने देखा, इस रोड पे हम पहली बार जा रहे हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं, यही है अबॉर्डेंट प्लेस। ये रोड कहाँ मिलती है, किस जगह पे मिलती है, आप में से कहीं जानते हैं, कोई 90s के जो है वो जानते हैं ज़रूर है, तो कुछ व्लॉगर जो है वो भी इस जगह को जानते हैं। देखते हैं, अभी रोड ख़राब नहीं होना चाहिए। इस रोड पे आके ना हम 90s में चले गए, 90s की याद आ रही है हमें, एक टाइम की जल्दी होती थी कि भाई। ये देखो ये ब्रिज पे यहाँ पे टाइल्स लगाई हुए हैं, शायद ये लोकल्स के लिए लगाई होंगी। अभी आपने देखा हम आ रहे थे पीछे से बन टोल प्लाजा से लेफ्ट हुए, तो अभी हम पुरानी रोड पे, आप देख रहे हो पीछे, ठीक है, हम जब 90s में या उससे बाद में जब हम चलते, जब तक ये हमारा नेशनल हाईवे नहीं बना था, तो हम यहीं से निकलते थे और हमें जल्दी होती थी कि हम नंदनी टनल कब पहुँचे, तो खुशी होती थी कि उस टनल को पार करके हम उधमपुर पहुँचे, कब हम भद्रवाह पहुँचे। तो अभी चलो आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं ये जगह।
तो ब्लॉग में बने रहना, आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए, आप इस रोड को तो पहचानते ही होंगे। तो ये देखिए पीछे यहाँ पे ये जो जनरल आत्मा सिंह का या वहाँ पे था शायद या यहाँ कहीं था, तो एक्सीडेंट हुआ था कोई आत्मा सिंह करके शायद जनरल थे हमारे, तो उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो यहीं पे कहीं पे हुआ था आई थिंक, या वो इस साइड हुआ या फिर उस साइड होगा। और वहाँ पे एक मंदिर भी था आई थिंक, आज है कि नहीं है मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। तो गाइस जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, ये देखिए जनरल आत्मा सिंह, तो ये जनरल थे हमारे बड़े पुराने टाइम के, तो इनका एक्सीडेंट हुआ था, मैं शायद 90 से पहले हुआ इनका एक्सीडेंट यहाँ पे। तो अभी देखो ये यहाँ से शायद इनके जाने के लिए रास्ता, ये देखो जनरल आत्मा सिंह मेमोरियल। इस रोड पे ना आके यार पुरानी यादें ताज़ा हो गई है, क्या व्यू था उस टाइम। अब तो ये लोकल्स ही इसको यूज़ करते हैं, अब इस रोड को कोई यूज़ बाकी तो करते नहीं है, कोई ब्लॉगर आ गया तो आ गया। तो हमारा मकसद भी था कि हम इस जगह का एक्सप्लोर करें, और यहाँ पे जो भी कोई घूमने के लिए आना चाहता आ सकता है यार। तो गाइस इस जगह को देख के आपको कुछ याद आ ही गया होगा, यहाँ पे इस साइड दुकानें होती थी, लोग यहाँ पे गाड़ियाँ लगाते थे और पकौड़े वगैरह खाते थे। तो अब तो इधर सिर्फ ये सीआरपी वाले हैं और कोई नहीं है, और दुकानें भी सुनने में आता था कि यहाँ पे पकौड़े वगैरह मिलते थे, तो अभी भी आई थिंक नहीं मिलते हैं पकौड़े यहाँ पे, सिंपल सी दुकान है। और ये देखिए वो पुराना टनल है, लो जी हमने कर दिया क्रॉस। आई थिंक 4 साल 5 साल पहले मैं शायद आया था अपने फ्रेंड के साथ, इतना याद भी नहीं है। तो रोड जैसी की तैसी है, थोड़ी हल्की फुल्की ख़राब है। तो बाकी यार जो जो इस वीडियो को देख रहा हो तो आना चाहिए यहाँ पे, हमारा मकसद है कोई जो पुरानी जगह है उनको एक्सप्लोर करें, ताकि हमारे जम्मू एक्सप्लोर हो सके। तो गाइस कुछ नहीं, जाएंगे यहाँ पे थोड़ा नहाएंगे वगैरह, क्योंकि आए थे तो चलो अब थोड़ा मस्ती करके जाते हैं, नहाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ खास होगा नहीं व्लॉग में। ये देखो गाइस जो कटरा में जो बस पे हमला हुआ था, ये वो आज लेके जा रहे हैं वहाँ से, ऐसा इसको दोबारा इन्होंने बनवाना होगा। ये आपने 2-4 महीने पहले सुना होगा कि कटरा में इस पर अटैक हुआ था, तो आग लग गई थी, तो ये वही बस है। तो क्या इस जगह को कौन नहीं जानता है, ये जगह संडे के लिए मशहूर है, संडे को यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज आती हैं, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। ओ गाइस ये देखो कहाँ कहाँ तक पानी आ रहा है, सिर्फ गिरना नहीं चाहिए क्योंकि मोबाइल है और पैसे हैं जेब में, कि ऐसा ना हो कि व्लॉगिंग के चक्कर में और नहाने के चक्कर में सब बर्बाद हो जाए। ये देखो अभी सारे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और वो ये दो भी आ रहे हैं, तीसरा तो लगा हुआ उधर। बालों पे मत जाना, बाल हेलमेट में ख़राब हो ही जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जजर कोटली में आए हैं, तो अभी जाते हैं नहाते हैं फिर चलते हैं उसके बाद घर, थोड़ा इंजॉय करते हैं क्योंकि वैसे भी आज छुट्टी थी सबको, तो आए यहाँ पे, तो अभी जाते हैं थोड़ा मस्ती करते हैं फिर निकलते हैं घर को। इसको तो प्रॉब्लम है, ये भाई को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पता नहीं, मगर नहाना नहीं है ठीक है। और ये तैयार है भाई, मेरा सपोर्टर साथ में मेरा तैयार है ठीक है।
हर जगह तैयार होता है और ये इसको थोड़ी अभी प्रॉब्लम है, ये नहीं जा सकता। और अभी 2 महीने प्रॉब्लम है। ये क्या है? अभी जाएंगे जाएंगे हम, अभी चलते हैं, ठीक है, नहाते हैं। और मैं यहाँ पे आओ यार भेजो इनको। भाई लोग मामू फुल एंजॉय करते हुए, मैं भी इनके साथ एंजॉय करने आया हूँ। ओ भाई साहब, नहीं होगा नहीं होगा, डरो मत। कैसा मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। और बाकी अपने और भी भाई लोग यहाँ पे करते हैं यहीं पे एंड। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है, तो ब्लॉग में कोई भी पार्ट अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और एक मेन चीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो भी सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।